नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी सिंह शेखावत पे। और आज हम लेके आए हैं एक शानदार वीडियो और एक शानदार प्रोजेक्ट, द रिंग रेजिडेंसी, जो कि बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर है। मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, ये है रिंग रोड और ये जो टोल प्लाजा है इसका नाम है सीतारामपुरा टोल। सामने आप देखिए, ये रिंग रोड है और सामने ये आप जो देख पा रहे हैं ये सीतारामपुरा टोल है। ये रिंग रोड अभी जो साउथ कॉरिडोर बोला जाता है, अब अजमेर रोड से लेके और इधर आप आगरा की तरफ चले जाएंगे, टोटल 47 किलोमीटर्स का ये पूरा का पूरा रिंग रोड है। और इसी रिंग रोड के ऊपर टाउनशिप है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पानी की टंकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पानी की टंकी यहाँ से रिंग रोड से हार्डली 400 से 500 मीटर के करीब है। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो आगरा रोड, टोंक रोड और सांगानेर साइड में जो रहते हैं या जिनकी जिनके जो होम टाउन जिनके इस साइड में है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में रिंग रोड से बेस्ट जो रिटर्न है और जो डेवलपमेंट है वो पूरे जयपुर में कहीं आपको नहीं मिल पाएगा। तो आइए चलते हैं हम टाउनशिप में और देखते हैं कि किस तरह की क्या टाउनशिप डेवलप की गई है। उसका एक इनिशियल लॉन्चिंग जो वीडियो था मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ और आज मैं आपको दिखाऊँगा कि उसमें कितना डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है और आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए इस टाउनशिप में प्लान कर सकते हैं। दूरी की मैं बात करूं तो सांगानेर से लगभग इसकी दूरी है 10 किलोमीटर के करीब दूरी है और ये दूरी और भी कम हो जाती है जब आप इस सर्विस लेन को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं दोस्तों इस रिंग रोड के बारे में, ये 1200 फिट की रिंग रोड है लगभग। जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ लास्ट बाउंड्री आ जाती है और ये सर्विस लेन है यहाँ की रिंग रोड की। और करीबन 600 मीटर सेंटर तक जाएंगे तो आप देखिए, ऐसे जूम कर रहा था तो थोड़ा पास लग रहा था। अभी यहाँ से जो मेन डिवाइडर है बीच का जो, वो 600 मीटर का है। ये एक साइड 600 फिट का है और उसी 600 फिट का ही एक जो पार्ट है वो रिंग रोड की दूसरी साइड है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपकी अपनी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि JDA अप्रूव्ड है, RERA अप्रूव्ड है, गेटेड टाउनशिप है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रिंग रोड से अंदर और सीधी सर्विस लेन जो है 100 फिट की है, उस 100 फिट से ये 80 फिट कनेक्टिंग रोड है जो कि लिंक रोड है। और यहाँ से ये 80 फिट लिंक रोड लगभग 200 से 300 मीटर आप अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रोजेक्ट है और ये एंट्रेंस गेट है इसके ऊपर जो कि 80 फिट पे ही है। और सामने जो प्लॉट्स हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं और अंदर इसमें आपको 3C कैटेगरी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको EWS में 50 गज लगभग 50 गज तक के, LIG में लगभग आपको 90 गज तक और MIG में लगभग 150 गज तक के प्लॉट्स एंड विला अभी अवेलेबल है। तो ये इंट्रेंस गेट है, कुछ बातें कर लेते हैं हम इसके हाइलाइट्स की। तो एंट्री गेट आप देख ही चुके हैं, आउटर बाउंड्री आपको ये इस तरह से है ही। इसके अलावा फिर इसमें ब्लॉक बाउंड्रीज अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इंटरलॉकिंग रोड्स है ये सामने आप देख रहे हैं, CCTV कैमराज अभी इसके अंदर लगने हैं, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम हो चुका है, वाटर लाइन जो पाइपलाइन है, सीवरेज लाइन है वो डल चुकी है और टेम्पल का वर्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, किड्स प्ले एरिया डेवलप किया जा चुका है, ओपन जिम लगाई जा चुकी है, गजीबो रहेगा, इसमें डिस्कशन जोन आपको मिलेगा,
अंडरग्राउंड इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, लैंडस्केप पर डेवलप पार्क और एलईडी स्ट्रीट लाइट्स रहेंगी, रोड साइड ट्रीज इसमें रहने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। कहने को ये 3C कैटेगरी मुख्यमंत्री आवास योजना है, बट किसी भी लग्जरी जो गेटेड सोसाइटी होती है उससे कम नहीं है। तो आइए चलते हैं अंदर। आपको एक बार और बता दूं, ये इधर से साउथ में से जो रोड आ रही है, ये रिंग रोड से आ रही है, और नॉर्थ में जो ये जा रही है सीधा सांगानेर शिकारपुरा तक चली जाएगी। तो आइए चलते हैं अंदर, कैसे क्या डेवलपमेंट है आइए देखते हैं। ये एंट्रेंस गेट हो गया, और यहाँ पे बूम बैरियर जो पार्किंग जो रहेगा, सिक्योरिटी चेक रहेगा, और ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है यहाँ पे, एक इस लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, जहाँ पे जब भी कोई आपका गेस्ट है या कोई भी अंदर एंट्रेंस करेगा तो यहाँ सिक्योरिटी चेक रहेगा। पहले टाइल्स की रोडें हैं यहाँ पे, देखिए लगी हुई हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैनल्स वगैरह लगा दिए हैं, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के लिए कनेक्शन छोड़ दिया है, ट्री प्लांटेशन कर दिया है सामने। और ये LIG के बने बनाए विला हैं, इंडिपेंडेंट विला हैं, और इसमें प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह का क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है इसके अंदर। अभी कुछ जो इसमें यूनिट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। ओके, मेन गेट से एंट्रेंस के बाद में हम जो एंट्रेंस पे जो रोड दी गई है वो 40 फीट रोड है, और एक ब्लॉक क्रॉस करने के बाद में राइट हैंड साइड पे आप ये फैसिलिटी की जगह देख पा रहे हैं। पूरा अभी इसको डेवलप कर दिया गया है, सामने पानी की टंकी है, जो कि ओवरहेड टैंक, आपका अंडरग्राउंड टैंक, उसके अलावा फिर यहाँ पे आपका ओपन थिएटर, डिस्कशन जोन भी आप उसे कह सकते हैं। और ये जो एरिया है, ये इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये ओपन जिम है। राइट हैंड साइड में ये 3 कैटेगरीज जो हैं आपके विलास इंडिपेंडेंट यहाँ बनाए जा रहे हैं। इस तरह से पूरी बाउंड्री पैक है, और बैक साइड में आप जो देख रहे हैं ये EWS कैटेगरी के इंडिपेंडेंट विला हैं, जो कि लगभग 50 गज में बने हुए हैं। खास बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि ऑन रिंग रोड है, इसके अलावा सांगानेर और डिग्गी मालपुरा और वाटिका को कनेक्टेड करता हुआ जो प्रोजेक्ट है, और इसी के पास से राइट हैंड साइड में जहाँ ये बाइक खड़ी है, इस साइड से राइट हैंड साइड से लगभग 150 मीटर से 200 मीटर आगे यहाँ पे एक 200 फीट सेक्टर रोड और है। जो 200 फीट रोड, जब सेक्टर रोड की बात मैं बात बोलता हूँ तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अपने आप में एक हाईवे इसके जस्ट 200 मीटर से है, और एक मेगा हाईवे रिंग रोड 1200 फीट वो इसके लेफ्ट हैंड साइड से है। सामने ये टेम्पल का काम चल रहा है, और यहाँ से अगर मैं आपको रिंग रोड की बात करूँ तो ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग से जो सामने आप देख पा रहे हैं फ्लड लाइट हल्की सी ब्लर है, वो फ्लड लाइट वो रिंग रोड है इस तरह से। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है दोस्तों। प्रॉपर डिमार्केशन है, प्रॉपर इसके अंदर सीवरेज लाइन है, और स्ट्रीट लाइट के लिए कनेक्शंस रेडी हैं, और वाटर सप्लाई के लिए पानी का जो टंकी है वो रेडी है, अंडरग्राउंड टैंक भी रेडी है। आप इस पूरे प्रोजेक्ट को दोनों तरह से ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के नज़रिए से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह से जयपुर के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचाने के लिए। तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस साइट विज़िट और बुकिंग करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपना विज़िट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।